अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड पे और ये साइड पे आप देख सकते हैं कि जाहिलों की तरह गाड़ी कैसे चलाते हैं बाइक वाले। बीच में से गुजर रहा है दो गाड़ियों के। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बनाने का मकसद ये था कि ये जो रेड लाइन का मंसूबा चल रहा है इसकी थोड़ी सी अपडेट दे दूं मैं आपको। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये सारी बैरिकेशंस लगी हुई है और सफूरा की तरफ काम चल रहा है, मतलब पूरे ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन स्लो स्लो काम चल रहा है, बहुत ज्यादा स्लो काम चल रहा है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो आने जाने में लोगों को तकलीफ है। यकीनन लोगों को आगे जाके फायदा जरूर पहुंचेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी रेड लाइन। लेकिन जब तक ये ऑपरेशनल होगी पता नहीं 10 साल लगेंगे 15 साल लगेंगे, क्योंकि जिस सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने सालों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पैथ छोड़े हुए और काम देखें इस तरफ चल रहा है, बल्कि अभी यहाँ पे तो कोई काम नहीं चल रहा, पीछे चल रहा था सफूरा के पास। अभी हम ये मौसमियात के पास आ चुके हैं और मौसमियात के पास से गुजर रहे हैं। आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको कि आगे और क्या सिचुएशन है मजीद यूनिवर्सिटी की तरफ। अब यहाँ से जो है ना, आज तो संडे का दिन है तो इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। अभी रोड के इस तरफ भी काम चल रहा है, दोनों साइड पे जो है ना वो खुदाई वगैरह की हुई है। इस तरफ भी देखें आप, रोड के काम चल रहा है और बैरिकेशन लगाए हुए हैं दोनों साइड पे। ट्रैक को जो है ना बहुत पतला कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से ये कट भी बंद कर दिया है मौसमियात के पास से, जो जोहर की तरफ जा रहा है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता प्रोजेक्ट, तब तक लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आगे स्टेशन का भी काम चल रहा है, लेकिन काम बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। और गवर्नमेंट का कहना ये है कि भाई जब ये प्रोजेक्ट हमने दिया था जिस कंपनी को, उस वक्त डॉलर का रेट कम था, अब क्योंकि डॉलर का रेट जो है वो बढ़ चुका है तो घाटे में जा रहा है ये प्रोजेक्ट। वो कंपनी कह रही है कि भाई हमें नुकसान हो रहा है, इस वजह से जो है वो काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। यहाँ पे देखिए मशीन वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे भी एक स्टेशन बनेगा। आगे भी देखें ये डंपर वगैरह खड़े हुए। अभी ये हम शेख जैद इस्लामिक सेंटर के सामने पहुंच चुके हैं। दोनों तरफ ट्रैक जो है वो खोला हुआ है इन्होंने। यहाँ पर देखें ये स्टेशन का काम चल रहा है, पिलर्स वगैरह बनाए हुए हैं इन्होंने। कहीं कहीं जो है ना काम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पहले शुरू में जो तेजी से काम हो रहा था वो काम अब नहीं हो रहा, उस तेजी से काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें ये एक ओवरहेड बना रहे हैं ब्रिज, ये यू टर्न के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये पिलर्स वगैरह इसके बना दिए गए, इसके जरिए यू टर्न होगा और आगे भी आप देखें वहां पे आपको पिलर्स वगैरह नजर आ रहे होंगे। सारे ट्रैक पे कहीं कहीं काम चल रहा है लेकिन बहुत स्लो है। इस वक्त तक ये जो प्रोजेक्ट है ये आधा कंप्लीट हो जाना चाहिए था 50%, लेकिन अभी तक ये 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम कराची यूनिवर्सिटी के सामने पहुंच चुके हैं। ये देखें आप, यहाँ भी काम चल रहा है, तेजी से काम नहीं चल रहा बल्कि स्लोली काम चल रहा है, स्लो स्लो काम कर रहे हैं।
कराची यूनिवर्सिटी के सामने भी एक स्टेशन बनेगा, यहाँ पे भी देखें ये पिलर्स वगैरह बना रहे हैं, लेकिन ये जाली लगाई है तो क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा। जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक जो है ना बहुत ज़्यादा जहमत उठानी पड़ेगी लोगों को। संडे को तो वैसे इतना ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन आम दिनों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाती है, ख़ास करके आगे जाके हसन स्क्वायर वाली साइड पे, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। ये भी यहाँ से काम शुरू होगा, अब इसके ऊपर भी इसको भी खुदाई उदाई करेंगे। हरियाली अभी ख़त्म होगी, आगे जाके दरख्त लगाएंगे या नहीं लगाएंगे उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, काम कहाँ तक पहुँचा है, काम देखना पड़ेगा। सफारी पार्क के पास अभी हम पहुँच रहे हैं, समामा से गुजर रहे हैं, यहाँ पे भी जो है ना ट्रैक छोटा किया हुआ है। यहाँ से भी काम शुरू किया हुआ है, ये पीछे ब्रिज का मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस ब्रिज को क्या करेंगे, क्या इस ब्रिज के ऊपर से ही गाड़ी गुजरेगी या यहाँ पे कोई अल्टरनेट बनाएंगे रेड लाइन मेट्रो बस के लिए। यहाँ पे भी स्टेशन बनेगा, उसका भी यहाँ पे देखें पिलर्स वगैरह बनाए गए हैं, बुनियादें रखी गई हैं सफारी पार्क के सामने। और अभी संडे के दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आम दिनों में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाता है। देखिए यहाँ पे ट्रैक कितना पतला कर दिया है, लेकिन तरक्याती मंसूबे होने चाहिए, उनसे जो है वो एक सहूलत होती है लोगों को। लेकिन जब तक ये ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला है ये कम्प्लीट नहीं हो जाता ये वाला प्रोजेक्ट, तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो आम लोग हैं जो यहाँ से गुजरते हैं डेली बेसिस पे उनको। अभी हम मेट्रो के सामने से गुजर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन केरी के सामने से, और इस तरफ आप देख सकते हैं काम चल रहा है, मतलब काम क्या चल रहा है यहाँ पे, काम होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा, संडे का भी दिन है तो इस वजह से। नीपा तक चलते हैं आगे, देखते हैं क्या पोजिशन है। इरीगेशन कम्प्लीटली इन्होंने लगाई हुई है, सफूरा पे काम चल रहा था, सफूरा और उसके करीब में मौसमियात पे भी थोड़ा सा काम होता हुआ नज़र आया है हमें। दरख्त वरख लगे हुए काटे नहीं है, इसका मतलब अभी तक यहाँ पे जो है ना काम कुछ छेड़ा नहीं है, बस ये बैरिकेशन लगा दी है साइड पे। नीपा तक हम पहुँच चुके हैं, अभी नीपा क्रॉस करके आगे जाते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि क्या पोजीशन है। अब हम ये पहुँच चुके हैं जी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने, यहाँ पे भी कुछ मशीन वगैरह जो है ना वो लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से भी काम स्टार्ट है। दीपा वाले पोल से हमने नहीं बनाई क्योंकि वीडियो फजूल में लंबी हो जाती, यहाँ पे देखिए खुदाई उदाई चल रही है। इधर भी एक स्टेशन बनेगा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के पास, यहाँ पे मशीन लगी हुई थी, काम चल रहा है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ स्टेशन बन रहे हैं वहाँ वहाँ काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ भी देखें ये पिलर्स वगैरह इन्होंने निकाले हुए हैं, ये पूरा इधर सिस्टम बनाएंगे स्टेशन का। अभी हम आगे जा रहे हैं बैतुल मुकर्रम की तरफ, तो देख सकते हैं पोजीशन। संडे का दिन है तो इतना रश नज़र नहीं आ रहा आपको रोडों में, नॉर्मल दिनों में और पीक आवर्स में तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम होता है, ऑफिस आने जाने वाले लोग जो है ना बड़ी तादाद में निकले हुए होते हैं और ये पूरे पैक होते हैं रोड। यहाँ पर भी इन्होंने काम किया हुआ है बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने, चलते हैं आगे और मज़ीद
देखते हैं क्या है सिस्टम, कहाँ तक पहुँचा है काम। यहाँ से आगे ट्रैफिक ज़्यादा जैम होता है नॉर्मल जो दिन होते हैं ना उन दिनों में, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक छोटे किए हुए दोनों तरफ। इस तरफ भी आप देख सकते हैं आने वाला ट्रैक है, उस तरफ से बंद कर दिया है ना। यहाँ पे भी एक यू टर्न बनेगा, ओवर हेड ब्रिज बनेगा, उसके पिलर्स आप देख सकते हैं नज़र आ रहे होंगे आपको। ताज मंजिल इसको कहते हैं इस जगह को, असर स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। देखें ये एक्सपो सेंटर है, एक्सपो सेंटर के सामने भी देखें काम चल रहा है। यहाँ पे आगे लोग खड़े हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी स्टेशन बनेगा एक्सपो सेंटर के सामने। तो जनाब ये थी रेड लाइन BRT बस प्रोजेक्ट की अपडेट। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।